के बज रहे हैं 5:15 पर आप लोग सोच रहे होंगे 5:15 बजे आंटी क्या शूट कर रही है। फ्रेंड्स आज है जिनी का फर्स्ट एग्जाम और मैं शूट कर रही हूँ जिनी का फर्स्ट एग्जाम, मतलब जिनी के फर्स्ट एग्जाम पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। और 5:15 बज चुके हैं और जिनी उठ जाती है 5 बजे। अब पता नहीं उठी है नहीं उठी है, लेकिन वो वैसे जनरली हर एग्जाम में उठती है और उठ के पढ़ाई करती है। 6:30 पे वो रेडी होना स्टार्ट करती है। तो मैं देखती हूँ जिनी ने स्टडी करी है नहीं करी है। तो चलो चल के देखते हैं जिनी के रूम में, आप भी आ जाओ। और आपके पेपर चल रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना अगर चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग जिनी। गुड मॉर्निंग। और भाई सारी तैयारी श्यारी? बस चल रही है। चल रही है। ओ भाई साहब, फ्रेंड्स देखो सारी बुक्स इसने फैला रखी है। देखो पूरी बुक पे नोट्स ही नोट्स बने हुए हैं जिनी के। और जिनी का है सोशल साइंस का पेपर है, मतलब एसएससी का पेपर है। और जिनी ने सारे मैप भी कर रखे हैं प्रिपेयर। यस। और ये देखो फ्रेंड्स जिनी की नोटबुक। एंड जिनी क्या पढ़ रही है तू? ये था चैप्टर वो नाजगम ब्लड। अच्छा लर्न है सब? सारी तैयारी हो गई है? हाउस द जोश? मोटिवेट करते रहना चाहिए। आप लोग की मम्मी भी आपको मोटिवेट करती रहे, मैं बीच बीच में ना मोटिवेट करती रहती हूँ। सोचो आज सुबह एग्जाम है और मैडम जी 5 बजे से कितना बजे उठी थी? मैं तो आइडिया लगा रही हूँ 5:30। SST का पेपर और 4:30 बजे मैडम जी उठ गई है। तो आपकी मैडम सारी तैयारी हो गई है? ये टेबल लर्न हो गई? कल इसमें कंफ्यूजन थी। टेबल लर्न हो गई? हो गई। वेरी गुड। पक्का? पक्का पूरी। ये देखो सारे में उसने नोट्स ही नोट्स बना रखे हैं। अब तेरी आज ये लास्ट बुक है जिनी 9th की SST की, पास तो तू हो ही जाएगी इतना तो मुझे यकीन है। 35 नंबर तो तेरे 35 नंबर तो तेरे आ ही जाएंगे। 35 नंबर तो तेरे आ ही जाएंगे। तो इस बात को भी बिलीव है तो तू पास तो हो जाएगी। तो 9th की बुक अब त्याग दियो। अब 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। कितने आ जाएंगे? 35 नंबर रिविजन कर लो। और मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पनीर का परांठा, आपका फेवरेट है ना? ठीक है तो जल्दी से रेडी होके, मतलब पहले आप पढ़ लो, 1 आवर आप स्टडी कर लो, उसके बाद रेडी होके ऊपर आ जाओ। ओके बेनिफिशियल है इसमें हर एक यू नो पॉइंटर्स है। इसमें कोई मतलब आंसर नहीं है, बहुत अच्छे से पॉइंटर्स है जिससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को पता है या नहीं पता, पर मैं बता देती हूँ फिर भी कि मैं आकाश जाती हूँ। पर्सन बहुत अच्छा लगता है। एक काम करती हूँ, मेरी ऑलमोस्ट रिविजन सारी हो गई है। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैंने अपना बैग अच्छे से लगा लिया था नहीं लगाया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट एग्जाम है और यहाँ पे कुछ भी गलत बात नहीं हो जानी चाहिए कि मैं पहनी लाना भूल गई। तो ये है मेरे एग्जाम बोर्ड जो कि आपने देखा ही होगा। ये मैं लेके जाती हूँ स्कूल एग्जाम टाइम में। और ये है मेरा पाउच जिसमें एक प्रोटेक्टर, एक स्केल और इतने सारे पेन, एक और पेन है, और ये है एक कंपास भी पेंसिल लगी है, एक और पेंसिल और दो इरेजर और एक शॉर्पनर। तो ये तो एकदम सही है मेरा सब सेट। मैं रात को ऑलमोस्ट सेट करके सोच रही थी सुबह कोई दिक्कत ना हो। तो ये मेरा बैग तो हो गया। एक काम करती हूँ, मैं अपनी आकाश वाली बुक रख लेती हूँ कि जो एग्जाम से पहले थोड़ा सा टाइम मिलता है बच्चों को, मैं रिवीजन कर लूँ। तो मेरा बैग तो रेडी हो गया, अब टाइम हो गया कि मैं रेडी हो जाऊं। तो मैं रेडी हो गया।
फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ और अब तक आई होप मम्मी का परांठा भी बन गया होगा, तो चलो ऊपर जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बन गया हमने परांठा। और क्या कर रही है मम्मी? परांठा ही बना रही है मम्मी। परांठा ही बना रही है। हाँ देखो फ्रेंड्स, पनीर और प्याज का इसके लिए परांठा बना रही हूँ। इसका फेवरेट परांठा है ये। कितना फेवरेट है? बहुत ज्यादा फेवरेट है हमारे घर में। पनीर का परांठा सबसे ज्यादा चिली को पसंद है। ये कहते हैं पनीर की प्रॉन्थी। इसकी चाची ने पनीर खाना सिखाया था मेरे से, तो खाती नहीं थी, इसके चाचू और चाची इसे खिलाते थे। तो जल्दी से चलो पनीर की परांठी खाओ आप अपनी और फिर एग्जाम देने जाओ। और तैयारी डन। सारा प्रिपेयर कर लिया? इधर आ जाओ। सारा प्रिपेयर कर लिया? सब प्रिपेयर। कितने नंबर? अच्छा 75 तो इसने बोली दी है, 80 में से आई जाएंगे इसके 75 मार्क्स। वेरी गुड, पास तो ये बढ़िया नंबर, डबल नंबरों से पास हो जाएगी। आज सारे पूछे तो 35 और इसके आएंगे 75, है ना? तो चलो जल्दी से परांठा खाओ और अपनी बॉटल भरो, ठीक है? पाउच चेक कर लिया? फ्रेंड मम्मियों को ज्यादा टेंशन हो जाती है, बच्चे पेपर लेने जाते हैं ना। अच्छा जी मम्मी आप ये बताओ, आज पापा नहीं देखे, पापा कहाँ हैं? पापा बेटा सुबह ही अपने काम से गए हैं, पापा की मीटिंग थी। छोड़ने जाएंगे हमारे विकास भैया अभी। मैंने फोन कर दिया, विकास आता ही होगा, तो जल्दी से आप परांठा खाओ। और हाँ जी दीदी, लंच में भी परांठा पैक कर दो स्कूल के। पेपर है सुबह से, मैं ही कह रही हूँ इसका पेपर है, और मैं कह रही हूँ लंच में भी यही परांठा पैक कर दूँ, क्योंकि ना इन दोनों की ना डिमांड्स अलग होती है, उसको कुछ चाहिए होता है, इसको कुछ चाहिए होता है। आज तो ध्वनि की छुट्टी है। यस ध्वनि मैडम जी विश्राम अवस्था में, क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो बोर्ड का भी सेंटर है। हाँ, और ध्वनि के एग्जाम इसके खत्म होंगे और ध्वनि के स्टार्ट होंगे। मतलब मैं तो दोनों तरफ से फंसी हुई, पहले से पढ़ाओ फिर उस देवी जी को पढ़ाओ, और उस देवी जी को पढ़ाना तो और भी कहना टारगेट है। जल्दी से बॉटल भरो, ठीक है? चलो पढ़ लिया नमोकार मंत्र? ऑल सेट। चल विकास भी आप बाहर खड़े हैं, आप जाओ ठीक है ना? चलो बाय बाय, एंजॉय पेपर, एंजॉय करना अच्छे से। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। चलो 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 जाओ। फ्रेंड जिन्नी का पेपर हो चुका है और मेरे पास फोन भी आ गया, वो गाड़ी में बैठ चुकी है। पता नहीं कैसा पेपर देकर आई होगी, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। और आज इसके पापा भी नहीं है घर पे, मतलब पहला एग्जाम है, पापा भी नहीं है, मुझे उसको भेजना पड़ा विकास के साथ। आने वाली होगी, देखती हूँ, बैल बज गई शायद। बहुत ही बढ़िया हुआ। मुझे लगा बहुत ही घटिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया दिखा, क्वेश्चन पेपर दिखा, अच्छे क्वेश्चन आए थे।
कितने MCQ 20 वही फॉर्मेट तो वही होता है हमेशा ना, वही आएगा। देखो टेबल आ गई, सुबह भी कह रही थी ना मैं। हाँ हाँ फ्रेंड्स, मैंने सुबह कहा था ना इसको वाली टेबल कर ले, आएगी। चल अब तेरे मार्क्स जोड़ो, इसमें कितने आएंगे जोड़ो। चल पहले कुछ खाएगी पिएगी। हाँ थोड़ा कुछ खाने को दे दो, फिर थोड़ा मैं थोड़ा चेंज करके आती हूं, फिर मार्क्स लगाते हैं। चल ठीक है, तू चेंज कर ले और फिर खाने पीने को देती हूँ, फिर हम इसके मार्क्स जोड़ते हैं और अभी देखते हैं इसके कितने मार्क्स बैठेंगे। फ्रेंड्स मेरा हमेशा इसका पेपर होता है तो आके सारे मार्क्स जोड़ती हूँ, इससे पूछती हूँ तू क्या क्या लिख कर आई है, फिर उसके अकॉर्डिंग पेंसिल से मैं यहाँ पे मार्क करके लिख देती हूँ कि हाँ जी नहीं, तूने कहा था तेरे इतने आएंगे, इतने आए या नहीं आए, अब बता इससे कम कैसे रह गए। ठीक है जल्दी से चेंज कर कर। मम्मी ध्वनि का है, ध्वनि नहीं दिख रही। ध्वनि ट्यूशन गई है, उसके भी एग्जाम्स आने वाले, उसे भी पढ़ने दे। घर में तो लड़की पढ़ती नहीं है, मतलब पढ़ती है कम पढ़ती है, बाहर जाके पढ़ लेती है। और ये पेंसिल कैसी लाई है? ये मैं पेंसिल लाई, पेंसिल देखते हो फ्रेंड्स, मतलब आज पेपर देकर आई है पहला, तो मैडम जी आज हवा में है, वो गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे वही वाला हाल हो रहा है। चल दीदी देखो, मैंने कहा था ना कैसी पेंसिल लाई है, दिखा। चल जाएगी, हम चलाएंगे इसे, देख निकल गई ना तो हाँ। अब ये बताओ, चलो अब हम इसके नंबर लगाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल द मेंबर्स ऑफ द फॉरेस्ट डिमांडिंग ईच मेंबर ऑफ ऑल द थ्री स्टेट्स शुड हैव नंबर 1। तुम हमें पेंसिल दूसरी ला के दो, जाओ जल्दी जाओ, पेंसिल ले आओ या पेन ले आओ, पेन से ज्यादा क्लियर दिखेगा, गोले गोले लगेंगे तो। लाओ ये लो, तो आप लिख कर आइयो सी। करेक्ट, तो नंबर 1। और इसमें मैच द फॉलोइंग आइटम्स, मैं बताती हूँ, ये था इसका ये वाला सी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये है इन वेस्ट बंगाल डैश हैव हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इसमें मैं लिख के आई हूँ लैंड रिफॉर्म मेजर्स। अब ये हो सकता है, ये इसमें डाउट हो रहा था क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने एग्रीकल्चर से लिखा था, तो इसमें डाउट हो रहा था। तो क्या लिख कर आई है? लैंड रिफॉर्म मेजर्स, मेरे को भी एग्रीकल्चर ही लग रहा है। चेक करें गूगल बाबा की जय हो, चेक करते। चल कोई नहीं, अभी मैं इसको ना क्रॉस कर देती हूँ। ठीक है, कोई नहीं, अभी तक इसका 1 मार्क कटा है। और ये बता, NPP 2000 put emphasis on ये 1 and 4 are there। ठीक है, done। Okay, read the, ये तो मैंने तेरे को सुबह रटवाई थी पूरी टेबल, पूरी अच्छे से कर आई होगी ये तो, और ये वाली टेबल भी मैंने कराई थी अच्छे से, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्शन, इसमें लिख कर आई हूँ मैं, इलेक्शन से लॉ पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। वेरी सही है, गुड। Why does the political executive have more power than the permanent? Because political executive consists of the direct representative of the people. Good, nice. मतलब it means ये अच्छा पेपर कर कर आई है, और ये इसमें से सारे क्वेश्चंस कर कर आई हूँ। सब कर गए। तो तेरे मेरे हिसाब से इसके कितने नंबर आएंगे? चलो केस स्टडीज सारी कर कर आई है। केस स्टडी में तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, वो तो अनसीन पैसेज की तरह होता है। तो मेरे हिसाब से इसने 80 में से 75 बोला था। मैं इसके अकॉर्डिंग टू पेपर मैं इसके अभी 76 लगा रही हूँ, जिसमें से अभी तक मुझे सिर्फ दिखाई कि एक नंबर कटेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में छोटा छोटा मिस्टेक्स मैडम जी की हो जाती है, तब भी हमने 76.5 लगा दिया है। नॉट बैड एंड वेरी गुड, क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ था एंड उस हिसाब से दिमाग लगा के लिखनी कर कर आइए। फ्रेंड्स आपके कैसे हो रहे हैं एग्जाम्स, हमें कमेंट करके जरूर बताना, किसका कौन सा फर्स्ट एग्जाम था या कौन और क्या क्या देखना चाहता है वो भी हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, 9th क्लास में जिनी है, 10th उसका आने वाला है, तो फोकस है स्टडी पे। तो चलो बच्चों, आप भी अपनी पेपरों की अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।